नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दी है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी लोगों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम 31 मई तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4.0 के दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, सैलून, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, रेल सेवा बंद रहेगी। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में लॉकडाउन 4.0 में 3 की जगह अब 5 जोन होंगे, जिसमें बफर जोन और कंटेनमेंट जोन सम्मिलित है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के जमशेदपुर, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां जिले में आज हल्का मेघ गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों के कुछ भागों में तेज हवा के साथ वज्रपात होने की संभावना है। झारखंड में शराब की होम डिलीवरी जोमेटो से। खबरों के अनुसार रांची में शराब की होम डिलीवरी के लिए जोमेटो से उत्पाद विभाग की बात चल रही है। शहरी क्षेत्र में शराब की होम डिलीवरी की जाएगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री के लिए दुकान खुलेगा। शराब बिक्री के लिए ऑनलाइन टोकन और मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि राज्य में शराब की बिक्री अगले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। झारखंड में आज 6 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिसमें रांची से 1, हजारीबाग से 1, लोहरदगा से 1, देवघर से 1 और रामगढ़ से 2 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 217 से बढ़कर 223 हो गई, जबकि 113 लोग स्वस्थ हुए और 3 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 95,700 है, जबकि 36,795 लोग स्वस्थ हुए और 3,025 की मृत्यु हो गई। झारखंड के मृतकों के परिवार को 4-4 लाख देगी हेमंत सरकार। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में मृत झारखंड के 11 लोगों के परिजनों को झारखंड सरकार 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि देगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि सभी मृतक के परिजनों को 4-4 लाख एवं घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये की सहायता तत्काल प्रदान की जाएगी तथा घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था भी जिला प्रशासन करेगी। बेंगलुरु के सड़क पर उतरे गढ़वा के मजदूर। खबरों के अनुसार बेंगलुरु में फंसे गढ़वा जिला के 150 मजदूर का सब्र टूट गया। मजदूरों ने LNT कंपनी से निकलकर पैदल ही अपने घर पहुँचने की ठान ली। रात में अचानक सड़क पर भीड़ की सूचना के बाद बेंगलुरु के हेबल थाना पुलिस ने उन्हें वाहनों से घर भेजने की बात कहकर रात में थाना ले गई। मजदूरों ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा जारी वेबसाइट पर पंजीकरण भी कराया पर कोई मदद नहीं मिल सकी तो पैदल ही घर लौटने की ठान ली। रांची बनेगा देश का रोल मॉडल, मुख्यमंत्री। खबरों के अनुसार संक्रमण के खिलाफ जंग में झारखंड की राजधानी रांची ने एक मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि रांची देश के समक्ष संक्रमण से जंग में रोल मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने इसका पूरा श्रेय रांची जिला प्रशासन, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों को दिया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ रांची ने संक्रमण से जंग जीती है बल्कि सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल भी कायम की है। जैप व IRB के जवानों के केमो फ्लैग ड्रेस पर रोक। खबरों के अनुसार जैप, IRB, SIRB और राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान और अफसरों के केमो फ्लैग ड्रेस, चितकबरा ड्रेस पहनने पर रोक लगा दी गई है। DGP के निर्देश पर जैप IG ने आदेश जारी कर दिया है। बिजली बिल जमा करा सकेंगे मोबाइल ATM मशीन से। खबरों के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को मोबाइल ATM मशीन से बिल जमा कराने की सुविधा दी है। उन्होंने समीक्षा बैठक में कहा कि ऑनलाइन के साथ में ही ATM मशीन से बिल जमा कराया जा सकेगा। यह मशीन एक वैन में लगा हुआ है जो प्रत्येक डिवीजन में अलग अलग दिन बिल जमा कराने की व्यवस्था कराएगा। सिमडेगा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर, 6 गिरफ्तार। खबरों के अनुसार सिमडेगा जिला के बांसाजोर थाना क्षेत्र अंतर्गत तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली को घटनास्थल पर ही मार गिराया गया, जबकि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुमला जिला के बजरंग दल ने किया 50 यूनिट रक्तदान। खबरों के अनुसार गुमला जिला के सरका पंचायत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 50 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान महादान का संकल्प के साथ विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने 50 यूनिट रक्तदान किया। स्कूलों में गर्मी छुट्टी जारी रहेगी, ऑनलाइन पढ़ाई। खबरों के अनुसार संक्रमण के कारण स्कूल बंद है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसलिए स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। कई निजी स्कूलों का कहना है कि गर्मी छुट्टी नहीं होगी क्योंकि स्कूल तो बंद ही है, ना ही विद्यार्थी को स्कूल आना है ना ही शिक्षक को, इसलिए छुट्टी के बजाय ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। कोडरमा में 11 दुकानदारों और 6 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज। खबरों के अनुसार कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र में 11 दुकानदारों व 6 लोग जो बिना मास्क बेवजह घूम रहे थे पर केस दर्ज किया गया। नगर परिषद के द्वारा आवेदन देकर थाना में केस दर्ज कराया गया है। 31 मई तक संचालित होगी दीदी किचन। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे राज्य में 7,000 से अधिक दीदी किचन का संचालन किया गया है, जो 2 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन परोसकर भूख मिटाया है। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दीदी किचन अब पूरे राज्य में 31 मई तक सुचारू रूप से जनता की सेवा करेगी। जेट टेट की परीक्षा सितंबर में होगी। खबरों के अनुसार सितंबर के अंत तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेट टेट हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। किराए के हाथी पर बनारस चले साधु बाबा। खबरों के अनुसार लॉकडाउन में फंसे बनारस के साधु बाबा उड़ीसा के पुरी से अपने गांव किराए के हाथी पर सवार होकर चल पड़े। उन्होंने गुमला जिला के चैनपुर में लोगों से रास्ता की जानकारी ली। हाथी का महावत उत्तर प्रदेश का है, इसलिए उसे कुछ पैसा देकर हाथी पर बैठकर अपने गांव जा रहे हैं। झारखंड में बाल विवाह बाल तस्करी का पलायन। खबरों के अनुसार लॉकडाउन के बीच झारखंड पहुंचे 60,000 प्रवासियों में से 25,000 से अधिक बच्चे हैं। इसके बाद पलायन, बाल तस्करी और बाल विवाह के लिए बदनाम झारखंड में यह समस्या और गहराने की आशंका जताई गई है। रांची में फंसे मजदूरों और छात्रों ने घर भेजने की लगाई गुहार। खबरों के अनुसार अपने ही राज्य में फंसे मजदूरों और छात्रों को अपने गृह जिला भेजने का सरकार द्वारा अभी तक कोई पलायन नहीं किया गया। ऐसे में छात्रों का कहना है कि रूम मालकिन रूम का किराया मांग रहे हैं। छात्रों और मजदूरों ने सरकार से अपने गृह जिला भेजने की गुहार लगाया है। प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही नौकरी देने के लिए 40,000 करोड़ की घोषणा। खबरों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गरीब क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके पहले मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपये था। बजट में इजाफा करने के बाद इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा, मजदूरों को उनके इलाके में ही काम मिल सकेगा। लोहरदगा जिला से मिला एक संक्रमण पॉजिटिव। खबरों के अनुसार लोहरदगा जिला में संक्रमण का एंट्री हो चुका है। लोहरदगा जिला में पहला संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि हुई है। लोहरदगा के 18 वर्षीय युवक के संक्रमण की पुष्टि हुई, जो बाहर से लौटा था और उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। झारखंड में लॉकडाउन 4.0 में छूट पर आज फैसला। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन 4.0 में छूट देने पर आज फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ राज्य में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेंगे, उसके बाद तय किया जाएगा कि राज्य में लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप क्या होगा। रामगढ़ जिला में संक्रमण की एंट्री। खबरों के अनुसार रामगढ़ जिला में 2 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इससे पहले रामगढ़ संक्रमण मुक्त था, दोनों संक्रमितों की जांच रिम्स में हुई है। 30 जून तक यात्री ट्रेन रद्द। खबरों के अनुसार भारतीय रेल ने लॉकडाउन के चौथे चरण 4.0 के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मालगाड़ी व
पर्सनल सेवाएं को छोड़कर सभी ट्रेन का परिचालन पर 30 जून तक रोक लगा दी है। भारतीय रेल ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन और 15 जोड़ी रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। शेष ट्रेन पर फिलहाल 30 जून तक रोक लगा दी है। सुरक्षित लौटे 1,34,000 मजदूर, सिर्फ 82 संक्रमित। खबरों के अनुसार राज्य सरकार की पहल पर अब तक 1,34,000 प्रवासी मजदूर, छात्र छात्राएं व मरीज झारखंड पहुंच चुके, जिसमें से सिर्फ 82 लोग संक्रमित मिले हैं, जो कि 0.06% ही है। झारखंड में पहुंची स्पेशल ट्रेनों का ब्यौरा। खबरों के अनुसार झारखंड में कुल 64 ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर झारखंड पहुंच चुकी है, जिसमें तेलंगाना से 8, आंध्र प्रदेश से 3, गुजरात से 12, महाराष्ट्र से 6, कर्नाटक से 9, तमिलनाडु से 9, पंजाब से 7, केरल से 7 और राजस्थान से 3 ट्रेन हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।